हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MJPRU यूनिवर्सिटी का MSc बॉटनी का सिलेबस देखेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आया है। इसमें मैं आज आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस बताऊंगी। ओके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओनली फर्स्ट सेमेस्टर आपका, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में इतना ही सिलेबस आ रहा है जिसमें आपको पेपर का पढ़ना है। सबसे पहला पेपर आपका होगा एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। सेकंड पेपर होगा आपका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। थर्ड पेपर होगा आपका प्लांट सिस्टमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। फोर्थ पेपर जो है उसमें आपको दो यूनिट्स दे रखी हैं ऐसे करके पेपर के, माइक्रोबायोलॉजी और इकोनॉमिक एंड एंथ्रोबॉटनी। तो इन दोनों में से कोई आपको एक चॉइस करना है, उसी का ही पेपर होगा आपका फोर्थ। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी लिया है तो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर होगा, अगर आपने इकोनॉमिक बॉटनी एंड एंथ्रोबॉटनी लिया है तब आपका इसका पेपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल, फोर्थ ये नेक्स्ट उसके फिफ्थ में है, ये इसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोजेक्ट या सर्वे। ये कॉलेज के अकॉर्डिंग होगा, अगर आप जिस भी कॉलेज में है उसने अगर रिसर्च कराने के लिए दिए तो रिसर्च दोगे, प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट करोगे, सर्वे करना है तो सर्वे करोगे, अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो वो करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये माइनर ओपन फॉर अदर फैकल्टी, तो ये ऊपर से ही होगा, माइनर सब्जेक्ट की तरह होगा ये, इसका भी पेपर होगा आपका। ठीक है, तो मेन जो है जो आपको पढ़ने हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इनका सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस आ रहा है पूरा यही है। ओके, तो इसमें एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट आ रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आ रहा है बस। एल्गी में आपका फर्स्ट यूनिट पूरी एल्गी की दे रखी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, उनके अंदर का सारा पढ़ना है, एल्गी का पूरा ब्लूम्स, बायोफर्टिलाइजर्स कैसे है, बायो एक्टिव कंपाउंड एल्गी कैसे है, बायो एथेनॉल, ये सारा पढ़ना है आपको। रिसर्च बतानी है पूरी इंडिया में कितनी हो चुकी है एल्गी की, तो ये फर्स्ट ये रहा एल्गी की यूनिट। सेकेंड यूनिट रही आपकी फंजाई की, ये पढ़ना है यूमाइकोटा, स्कूमाइकोटा सारा। और नेक्स्ट जो है लाइकेन, तो लाइकेन क्लासिफिकेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन सारा पढ़ना है। फोर्थ है आपका ब्रायोफाइट्स, तो ये करना है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपका पेपर सेकंड है आपका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, पेलियोबॉटनी। ओके, में सबसे पहला है आपका टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ना है। सेकंड है आपका जिम्नोस्पर्म का पूरा पढ़ना है। थर्ड है आपका पेलियोबॉटनी में आएगा आपका जितने भी फॉसिल्स हैं, फॉसिलाइजेशन, जितने भी मेथड्स आएंगे इसमें, एल्गी के, ब्रायोफाइट के, टेरिडोफाइट के, जिम्नोस्पर्म के, जिसके भी पूरे फॉसिल्स हैं सारे इसमें पढ़ने हैं आपको, रिकॉर्ड पढ़ना है पूरा। और इसमें भी आपको पेलियोबॉटनी का ही पढ़ना है, जिसमें इंपॉर्टेंट और यूजफुल डाटाबेस ऑफ एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म पूछे हैं। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेपर थर्ड, ये पेपर थर्ड में आपको पढ़ना है प्लांट सिस्टमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। प्लांट सिस्टमैटिक में क्या आएगा, प्लांट सिस्टमैटिक में आएगा आपका जितना भी ICVN के अंतर्गत जितना भी वो उसका रैंक या बॉटनिकल कोड, उसका नोमेनक्लेचर जितना भी दे रखा है बेंथम हुगर के थ्रू दे रखा है, मोनोकॉट्स डाइकॉट्स में, वो पूरा करना है। ठीक है, सेकंड यूनिट जो आएगी इसमें आपको मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की फैमिली पढ़नी है। मोनोकॉट्स मान लो आपको 3 फैमिली दे रखी है और बाकी सारी डाइकॉट्स की दे रखी है, तो ये कंप्लीट करनी है। थर्ड में आपका हर्बेरियम का पूरा दे रखा है, हर्बेरियम, और फोर्थ में आपका स्टैमिन कार्पल का इवोल्यूशन दे रखा है, मतलब कि स्टैमिन कैसे बना है पूरा उसका डेवलपमेंट, कार्पल का डेवलपमेंट। ओके, तो इन सब की प्रोसेस के जो, अगर स्टैमिन डेवलप होता है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है, कार्पल डेवलप होता है तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। फिर उसके बाद एम्ब्रियो सैक के टाइप, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ये पूरा आ गया रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा हिल गया, नेक्स्ट पेपर जो आपका फिफ्थ होगा, उसमें आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आपको चूज करने के लिए बताया था, या तो आप माइक्रोबायोलॉजी लोगे या आप इकोनॉमिक एंड एंथ्रोबॉटनी लोगे, तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको जो सिलेबस आने वाला है वो ये सारा आने वाला है। तो माइक्रोबायोलॉजी में आपके जितने भी माइक्रोब्स हैं वो क्या क्या है, हाँ, वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स, बैक्टीरिया जितने भी हैं, यू बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया, ये आपके आ जाएंगे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। सेकंड जो है वो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है, और फूड एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं,
अगर कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक एंड एंथनोबॉटनी लेता है तब उसके अंतर्गत आप उसके सीरियल्स पढ़ेंगे सबसे पहले यूनिट में। सीरियल्स का धान्य जो अन्न हम लोग कहते हैं, वी मतलब गेहूँ, गेहूँ चना, दालें जितनी भी आएंगी, चावल, ये सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, आलू है, पोटैटो, जैसे शुगर कैन, इनके सबका इको सिस्टम पूछा है लोगों ने, शुगर कैन, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो। थोड़ा सा आगे है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही आपका दे रखा है सेफ्रॉन क्लॉव एंड ब्लैक पेपर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और सेकंड यूनिट आएगी आपकी बेवरेजेस, बेवरेजेस पेय पदार्थ, जितने भी पेय पदार्थ हैं वो सारे इसके अंतर्गत मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है नेचुरल रबर, नेचुरल रबर के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स वगैरह आएंगे वो सारे इसमें आएंगे। एंथनोबॉटनी, एंथनोबॉटनी में आपका मतलब फूड प्लांट्स जो हैं, टॉक्सिकेंट्स प्लांट हैं, बेवरेजेस, रेजिन्स, ऑयल, जितने भी सारे प्लांट्स की जो यूजेस हैं और सिग्निफिकेंस हैं इन सारे प्लांट्स के, वो इसमें पढ़ने हैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के लिए वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।